बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में डाकुओं ने घर की दहलीज पर मां के सामने बेटा मार डाला। नौजवान की 3 रोज कब्ल शादी हुई, आज जनाजा उठेगा। कश्मीर रोड पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने मां बेटी से लूटमार की। बेटा शाहरुख दरवाजा खोलते ही आगे बढ़ा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई का कहना है किसी अफसर का बेटा मर जाता तो रातों रात मुलजिम पकड़े जाते। शहर कायद में डाकू दंदनाने लगे, पुलिस तफ्तीश खेले में मसरूफ। नए साल के सिर्फ 12 रोज में शहर 3,25,00,000 रुपए से महरूम। मुजाहमत करने वाले 5 शहरी जान से गए, 29 जख्मी हो चुके। मुलजमान दिन दिहाड़े वारदात के बाद आसानी फरार हो जाते हैं। क्लिफ्टन में डाकू ने शहरी से 73,00,000 लूटे, गोली मारकर कत्ल भी कर दिया। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर। ओग्रा जराए के मुताबिक पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो सकता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इजहार तशवीश। कहते हैं मार्केट में ऐसी इतलात से जखीरा अंदोजी के खदशात हैं, अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मिनी बजट की मंजूरी की हिकमत अमली तैयार, वजीर आजम आज पार्लियामेंट जाएंगे। इमरान खान असेंबली सेशन से काबिल पार्लियामानी पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। इत्तेहादी रहनुमा भी शरीक होंगे। अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली भी तैयार होगी। जराए के मुताबिक इत्तेहादी जमात MQM के तहफ्फुज़ात पर भी बात होगी। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत शरह 6% से भी बढ़ गई। लाहौर में 6.9 और इस्लामाबाद में 6.3% रिकॉर्ड। कराची सबसे ज्यादा मुतासर, मुस्बत शरह 20.45% तक पहुंच चुकी। मुल्क में 24 घंटों में 3,019 नए केसेज रिपोर्ट, 5 अफराद ने दम तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रोन के 18 केसेज ने खतरे की घंटी बजा दी। स्कूल से मुतालिक बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। हर अमरीकी ओमिक्रोन का शिकार होगा, डॉक्टर एंथोनी फाउची ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वैक्सीन लगवाने वाले शहरियों पर कम असर अंदाज होगा। अमरीका में मजीद 4,15,000 से जायद केस, 2,000 से जायद अमवात। भारत 2,41,000, बरतानिया में 1,29,000 केसेस रिपोर्ट हुए। कोयटा में डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों के लिए दोहरा अजाब। सरकारी अस्पतालों की OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकॉट जारी। यंग डॉक्टर्स की आज फिर रेड जोन जाने की धमकी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिया मरी की तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। अमवात के आप जिम्मेदार हैं, इस कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। अगर नेशनल कमीशन की मीटिंग 2018 के बाद नहीं हुई तो जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला का मेंबरान NDMA से मुकालमा। एबटाबाद और नथिया गली में बर्फबारी से मुतासरा मुलहिका सड़कें 10 रोज बाद भी बंद। इंतजामिया नथिया गली व कोर्ट रोड सवार गली से शेर शर्की रोड खोलने में नाकाम। लोग पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर। अपनी मदद आप के तहत सड़क को खोलने के लिए कोशा। लोरा फीडर और कालाबाग फीडर पर 10 दिन से बंद बिजली बहाल ना हो सकी। जोहरी जंग रोकने, हथियारों की दौड़ से बचने का मामला। UN सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान का मुश्तरका बयान। पाकिस्तान का मुस्तकिल अरकान के मुश्तरका बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान का कहना है सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान के माबैन मुफाहमत मुस्बत पेशरफ्त है। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जेनोसाइड वॉच दुनिया भर में नस्ल कुशी के वाकयात पर नजर रखने वाली तंजीम है। तंजीम के बानी प्रोफेसर ग्रेगोरी ने खबरदार किया कि भारत मुसलमानों की नस्ल कुशी के 8वें मरहले पर पहुंच चुका है। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में काबिज फोर्सेज की जहरियत जारी। भारतीय फोर्सेज ने जिला कलगाम एक और नौजवान को शहीद कर दिया। वादी में सूरतेहाल कशीदा, दूसरी जानिब कार्रवाई में भारतीय स्पेशल फोर्सेज का एक अहलकार हलाक, 3 जख्मी भी हुए। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।